हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ओरियो आइसक्रीम। खाने में बहुत ही मजेदार लगती है, बनाना भी बहुत इजी और बच्चों के सबको बहुत ही पसंद आएगी। आइए देखते हैं रेसिपी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप दूध। एक पैन लेंगे और उसमें दूध को गर्म करेंगे। स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम धीमे ही रखेंगे। 4 चम्मच में चीनी यूज कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच कोको पाउडर, इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को अभी हम धीमा ही रखेंगे, सिंपल ही रखेंगे, जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए। कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स करना जरूरी है, इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे। इसे लगातार हिलाते रहना है, इसमें उबाल आना चाहिए अच्छे से। इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, पर इसे लगातार हमें हिलाते रहना है थोड़ा ठंडा होने तक, और साइड पे रख देंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप चिल्ड व्हिप क्रीम। इसे अच्छे से हम व्हिप करेंगे। हमें इसे तब तक व्हिप करना है जब तक ये सॉफ्ट व्हिप फॉर्म में ना आ जाए। व्हिप क्रीम से बनाई हुई आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल रेडीमेड बाजार जैसी लगती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। यहाँ हमारा सॉफ्ट व्हिप फॉर्म रेडी है। अब यहाँ 1/3 कप मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज कर रही हूँ और 1/3 कप ही मैं अमूल फ्रेश क्रीम लूंगी। मैं यहाँ अमूल के ले रही हूँ, आप कोई और ब्रांड लेना चाहे वो भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चॉकलेट सिरप जो हमने बनाया है, वो 2 से 3 चम्मच, अगर चाहे आप 4 चम्मच भी यूज कर सकते हैं। और अब इन्हें बीटर से सबको अच्छे से मिला लेंगे पहले और फिर बीट करेंगे। ये हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेडी है आइसक्रीम जमाने के लिए। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट ओरियो बिस्किट। हाथ से इसे अच्छे से थोड़ा चॉप कर लेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़े बारीक तोड़ लेंगे, ज्यादा बारीक भी नहीं करना है। सारे मैंने ओरियो नहीं डाले, हाफ ही यूज किए हैं, और स्पेचुला से इसे अच्छे से क्रीम में मिक्स कर देंगे। ये हमारा रेडी है मिक्सचर आइसक्रीम जमाने के लिए। कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर लीजिए और इसमें इसे डाल दीजिए और थोड़ा सा टैप कीजिए ताकि इसके एयर बबल जो इसमें है वो रिमूव हो जाए। और ऊपर से ये छोटे छोटे ओरियो के टुकड़े इसमें डाल दीजिए, इससे और भी इसका क्रंची फ्लेवर आता है जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है। और थोड़े से चोको चिप्स इसमें डालेंगे। अब इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रीजर में। मैंने ओवरनाइट इसे रखा और इसे फ्रीजर से निकाल लिया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब स्कूप की हेल्प से इसे हम निकालेंगे। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हमारी आइसक्रीम जमी है, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया। इसे सर्व करते हैं। निकालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे अपना चॉकलेट सिरप, इससे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप बनाइए, आपके बच्चे देखिए बाजार की आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। बनाना तो इजी है ही है, और हम जो घर में बना रहे हैं बहुत ही अच्छा और प्योर क्वालिटी का बनाते हैं, इसलिए आप भी जरूर ट्राई कीजिए। कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर अच्छी लगती है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।